हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस प्लम के टोनिंग मिस्ट का रिव्यू। ये प्लम ग्रीन टी रिवाइटलाइजिंग फेस मिस्ट है एंड यू ऑल कैन सी मैंने इसे कितना इस्तेमाल कर लिया है ऑलरेडी। अभी समर सीजन है, समर सीजन में ना हमें कुछ रिफ्रेशिंग सा टोनिंग मिस्ट वगैरह चाहिए जो कि आप स्प्रे कर सकते हैं अपनी फेस पर एंड इट गिव्स यू अ रिफ्रेशिंग फीलिंग। तो आज का ये वीडियो इसके ऊपर है, इसका रिव्यू मैं शेयर करूंगी। मैंने इसे 2-3 महीने से इस्तेमाल किया है, सो आई विल शेयर माय जेन्युइन रिव्यू। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं 2-3 मिनट्स के अंदर जो मेन पॉइंट्स है इसका मैं शेयर करूंगी। सो ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है, हैशटैग शॉर्ट रिव्यू सीरीज, जिसमें मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की शॉर्ट एंड सिंपल टू द पॉइंट रिव्यू शेयर करूंगी विद इन 3 मिनट्स। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट द पैकेजिंग। ये इस तरीके के एक स्प्रे प्लास्टिक बॉटल में आता है। इसका जो स्प्रे नॉजल है ना वो काफी अच्छा है बिकॉज इट डिस्ट्रीब्यूट द स्प्रे प्रॉपरली। जस्ट लेट मी शो यू ऑल, इवनली एकदम डिस्ट्रीब्यूट करता है, काफी अच्छे से इससे ना प्रोडक्ट निकलता है। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है एंड इसका फ्रेग्रेंस एकदम टिपिकल जो ग्रीन टी वाला वेरिएंट है प्लम का। 100 ml रिटेल्स फॉर 360 rupees। मैंने जहाँ से इसे परचेज किया है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। जहाँ से मैंने परचेज किया वहाँ पर इट वॉज ऑन अ वेरी गुड डिस्काउंट, तो आप वहीं से इसे परचेज कर सकते हैं। आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कीजिए, क्लीन फेस पर इसे स्प्रे कीजिए एंड देन आफ्टर 40-60 seconds आप अपने फेस पर मॉइस्चराइजर या सिरम जो भी आप अप्लाई करते हैं वो अप्लाई कीजिए। ये ना आपके पोर्स को क्लोज करेगा एंड आपके स्किन को काफी सॉफ्ट बनाता है। अगर आपकी स्किन में एक्नी या सेंसिटिव स्किन है, आपकी एक्नी प्रॉब्लम है, पिंपल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए परफेक्ट है। कामिंग एंड सूदिंग के लिए अच्छा है, स्किन को काम डाउन करता है। इनफैक्ट आप धूप से आ रहे हैं, स्किन काफी इरिटेटेड है, उस टाइम आप अगर इसे स्प्रे करते हैं तो स्किन काफी ज्यादा काम होती है। सो आई थिंक फॉर समर सीजन, फॉर मॉनसून सीजन दिस इज अ मस्ट हैव। मेरी पर्सनली ड्राई स्किन है बट माई स्किन इज सुपर सेंसिटिव, स्पेशली मॉनसून एंड समर सीजन में स्वेट के कारण मैं काफी ज्यादा स्किन पर रैशेस की प्रॉब्लम फेस करती हूँ। बट व्हेनेवर आई फील कि मेरी स्किन पर रैशेस हो गया एंड मेरी स्किन काफी इरिटेटेड है, मैं हमेशा इसे स्प्रे करती हूँ। मैं डेली बेसिस पर इसे क्लीन फेस पर, रात को जब मैं अपना स्किन केयर रूटीन करती हूँ, नाइट टाइम में मैं डेफिनेटली इसे स्प्रे करती हूँ एंड दिन में भी। इनफैक्ट जब भी मुझे लगता है कि मेरी स्किन काफी इरिटेटेड एंड सेंसिटिव फील हो रही है तो मैं इसे स्प्रे करती हूँ। तो आई थिंक फॉर ऑल स्किन टाइप्स ऑफ पीपल दिस इज अ मस्ट हैव एंड आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए। लिंक इज प्रोवाइडेड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।